हेलो रिवन टेक जेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सब्जेक्ट है BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के क्वेश्चन पेपर्स कवर करेंगे दिसंबर 2022 के, और उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं, और इस एग्ज़ाम रिलेटेड हम बातें बताएंगे। एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न रहता है, टाइम कितना मिलता है, कितने लेंथी क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ये सब बातें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को बीच से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपको इग्नू शॉर्ट असाइनमेंट्स की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उसमें आपको इग्नू के सोल्ड असाइनमेंट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके अपनी सब्जेक्ट की वीडियोस देख के उनमें से देख देख के लेटेस्ट असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें टोटल टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, नॉट आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, यानी 20-20 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 100 नंबर का ये पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर इज बेसिकली अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा, परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन द गिवन डाटा एंड प्रेजेंट्स द रिजल्ट, एलुसिडेट। ये 10 नंबर का है। इसमें बी पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये 10 नंबर का है। ये जो बी पार्ट है ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाई GDPR, डिस्टिंग्विश बिटवीन DPD एंड GDPR। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, और ये GDPR इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको एक बार आप अच्छे से स्टडी कर लें। इसमें पार्ट ए है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लास्टिक मनी, हाउ वाज प्लास्टिक मनी ओरिजिनेटेड। 10 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्कस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक मनी इन बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज इन 3 स्टेप्स। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फॉलोइंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। 10 नंबर के हैं दोनों। ए है इक्वेशन एडिटर, बी है ट्रैकिंग। ये आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 10-10 नंबर के स्टेटमेंट्स हैं। पेरोल रेफर्स टू द अमाउंट पेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉय। इसके ऊपर आपको लिखना है कि पेरोल क्या है। दूसरा है, कैपिटल बजटिंग इन ए प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इवोल्यूएट्स ए प्रोजेक्ट मोस्टली लॉन्ग टर्म। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ए है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, बी है टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा एंड ऑडियो बेस्ड कैप्चा। ये 10-10 नंबर के हैं दोनों। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार स्टडी कर लें। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये 4 शॉर्ट नोट्स हैं, 5-5 नंबर के हैं, 20 नंबर के आपको हैं। इसमें पहला है गूगल प्ले स्टोर, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है रिलेशन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, डी है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं, और ये सारी टर्म्स आपको वैसे भी जनरल लाइफ के लिए आपको इनका स्टडी करना चाहिए। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। हमने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हिंदी मीडियम का प्रश्न पत्र शुरू हो जाता है। BCOS 183 व्यापार में कंप्यूटर का अनुपयोग दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 100, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो सेम है, इसमें भी सारे प्रश्न 20-20 नंबर के हैं। पहला प्रश्न में क्या पार्ट है, कंप्यूटर मूल रूप से प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए डेटा पर डेटा स्वीकार करता है, संचालन करता है और परिणाम प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें ख पार्ट है, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर का, इसको एक बार स्टडी जरूर कर लें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, GDPR से आप क्या समझते हैं, DPD और GDPR में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो GDPR टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर स्टडी कर लें इसके बारे में। क्या पार्ट है, प्लास्टिक मुद्रा से आप क्या समझते हैं, प्लास्टिक मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या पार्ट है, व्यवसाय वाणिज्य व्यापार में प्लास्टिक मुद्रा के विभिन्न उपयोगों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। प्लास्टिक मुद्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए प्लास्टिक मुद्रा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, मेल मर्ज के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। मेल मर्ज की प्रक्रिया को 3 चरणों में समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित की उपयोगिता, क्या उपयोगिता है। पहला है इक्वेशन संपादक, दूसरा है ट्रैकिंग, ये दोनों 10-10 नंबर के हैं।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर टिप्पणी कीजिए। पहला, पेरोल एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि को संदर्भित करता है। दूसरा है, पूंजीगत बजटन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई संगठन किसी परियोजना का ज़्यादातर दीर्घकालिक मूल्यांकन करता है। ये दोनों 10 नंबर के स्टेटमेंट्स हैं, इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। डाटा और सूचना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। दूसरा है, टेक्स्ट आधारित कैप्चा और ऑडियो आधारित कैप्चा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लें। 10 10 नंबर क्वेश्चन है ये। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन 4 में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ये 4 टिप्पणी है 5 5 नंबर की, 20 नंबर के हैं। चारों टिप्पणियाँ इंपॉर्टेंट हैं, ये टर्म सारे इंपॉर्टेंट हैं डेली लाइफ के लिए भी और इस एग्जाम के लिए भी। गूगल प्ले स्टोर, ऑपरेटिंग सिस्टम, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और पहचान की चोरी। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 8 ही क्वेश्चन हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इग्नू के सोल्ड असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इग्नू सोल्ड असाइनमेंट्स की प्लेलिस्ट पे जाके अपने अपने सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख के उसमें से लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और आप हमारे साथ बने रहे इग्नू के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, इग्नू के सोल्ड असाइनमेंट्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और सोल्ड असाइनमेंट्स के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।